भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघ का क्या योगदान था, यह प्रश्न बार बार सर्वाधिकारवाद की मानसिकता से ग्रस्त मिथ्या प्रचारवादियों की ओर से खड़ा किया जाता है। संघ के श्रेय नहीं लेने के मनोभावों को हर बार एक योजनाबद्ध तरीके से नकारने की कोशिश की जाती है। अन्य आंदोलनकारियों की तरह संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने भी अपनी डॉक्टरी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के लिए ही छोड़ी थी। भारतीय इतिहास में उनके इस अवदान का कहीं कोई जिक्र भर भी नहीं मिलता। संघ की उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए कार्य को नकारने और उसके अनुचित एवं निराधार व्याख्या करने का एक कुत्सित प्रयास चलता रहता है। एक योजनाबद्ध तरीके से आधा इतिहास बताने का एक निरंतर प्रयास चल रहा है। भारत के लोगों को ऐसा मानने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है कि स्वतंत्रता केवल कांग्रेस और 1942 के सत्याग्रह के कारण ही मिली और किसी ने कुछ भी नहीं किया। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से चरखा और खादी को जोड़ा, सर्वसामान्य जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होने का एक सरल एवं सहज तरीका और साधन उपलब्ध कराया। लाखों की संख्या में लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ सके, यह बात सत्य है, परंतु सारा श्रेय एक ही आंदोलन या एक ही पार्टी को दे देना इतिहास से किया गया एक खिलवाड़ है। अन्य सभी के प्रयासों का यह एक अपमान सा है। डॉक्टर केशव हेडगेवार का जन्म नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा सन 1904-5 से शुरू हुई। उसके पहले अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा कोई स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण नहीं बना था। फिर भी सन 1897 में रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के हीरक महोत्सव के निमित्त स्कूलों में बांटी गई मिठाई 8 साल के केशव हेडगेवार ने ना खाकर कूड़े में फेंक दी। यह था उनके अंग्रेजों की गुलामी से उपजा गुस्सा और चिढ़। सन 1907 में रिसले सेक्युलर नाम से वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर पाबंदी का जो अन्यायपूर्ण आदेश घोषित हुआ, उसके विरोध में भी केशव ने अपने नील सिटी विद्यालय में सरकारी निरीक्षक के सामने अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करवाया। विद्यालय के प्रशासन का रोष और उनकी सजा के नाते उन्हें विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया गया। डॉक्टरी पढ़ने के लिए मुंबई में सुविधा होने के बावजूद क्रांतिकारियों का केंद्र होने के नाते उन्होंने कलकत्ता को पसंद किया। वहां वे क्रांतिकारियों की शीर्षस्थ संस्था अनुशीलन समिति के विश्वासपात्र सदस्य भी बने। सन 1916 में डॉक्टर बनकर वे नागपुर वापस आए। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी मूर्धन्य नेता विवाहित थे, वे गृहस्थ थे। अपनी गृहस्थी के लिए वे आवश्यक अर्थोपार्जन का कोई न कोई साधन भी जुटा लेते थे। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान भी दे रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार भी ऐसा सोच सकते थे, घर की स्थितियां भी ऐसी थी, परंतु उन्होंने डॉक्टरी एवं विवाह दोनों ही नहीं करने का निर्णय किया। उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की इतनी तीव्रता थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई विचार ना करते हुए अपनी सारी शक्ति, समय और क्षमता राष्ट्र को अर्पित करते हुए स्वतंत्रता के लिए चलने वाले हर प्रकार के आंदोलन से अपने आप को जोड़ लिया। लोकमान्य तिलक पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। तिलक के नेतृत्व में नागपुर में होने जा रहे 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्डिकर और डॉक्टर हेडगेवार को ही दी गई थी। इसके लिए उन्होंने 1200 स्वयंसेवकों की भर्ती भी करवाई थी। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस की नागपुर शहर इकाई के संयुक्त सचिव भी थे। उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसे प्रस्ताव का सुझाव रखा कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना होना चाहिए। संपूर्ण स्वातंत्र का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 वर्षों के बाद सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में स्वीकृत किया। इससे खुश होकर डॉक्टर जी ने संघ की सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का अभिनंदन करने की सूचना प्रेषित की। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक के देहावसान के कारण नागपुर के सभी तिलकवादियों में निराशा छा गई। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा।
असहयोग आंदोलन के समय 1921 में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक करने की दृष्टि से अंग्रेजों द्वारा तुर्किस्तान में खिलाफत को निरस्त करने से आहत मुस्लिम मन को अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन किया। इस पर कांग्रेस के अनेक नेता तथा राष्ट्रवादी मुस्लिमों को आपत्ति थी, इसलिए तिलकवादियों का गढ़ होने के कारण नागपुर में भी असहयोग आंदोलन बहुत प्रभावी नहीं रहा, परंतु हेडगेवार, डॉक्टर चोलकर, समीमुल्ला खां आदि ने यह परिवेश बदल दिया। उन्होंने खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने पर आपत्ति होते हुए भी उसे सार्वजनिक नहीं किया। इसी मापदंड के आधार पर साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए उन्होंने तन मन धन से आंदोलन में सहभागिता की। व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों से अलग हटकर उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति का विश्लेषण किया और आसपास के राजनीतिक वातावरण एवं दबंग तिलकवादियों के दृष्टिकोण की चिंता नहीं की। उन पर चले राजद्रोह के मुकदमे में उन्हें एक वर्ष का कारावास भी सहना पड़ा। वे 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक कारावास में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्व तथा प्राथमिकता को समझते हुए भी एक प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार को सतत सताता रहा कि 7000 मील से दूर व्यापार करने आए मुट्ठी भर अंग्रेज इस विशाल देश पर राज कैसे करने लगे। जरूर हम में कुछ दोष होंगे, उनके ध्यान में आया कि हमारा समाज आत्मविस्मृत, जाति, प्रांत, भाषा, उपासना पद्धति आदि के अनेक गुटों में खंडित है, असंगठित और अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा है, जिसका लाभ लेकर अंग्रेज यहाँ राज कर सके। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज ऐसा ही रहा तो कल फिर इतिहास दोहराया जाएगा। वे कहते थे कि नागनाथ जाएगा तो सांपनाथ आएगा, इसलिए इस अपने राष्ट्रीय समाज को आत्मगौरव युक्त, जागृत, संगठित करते हुए सभी दोष कुरीतियों से मुक्त करना और राष्ट्रीय गुणों से युक्त करना अधिक मूलभूत आवश्यक कार्य है, और यह कार्य राजनीति से अलग, प्रसिद्धि से दूर, मौन रहकर प्रयत्न पूर्वक करने का है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। इस हेतु 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ स्थापना के पश्चात भी सभी राजनीतिक या सामाजिक नेताओं, आंदोलनों एवं गतिविधियों के साथ उनके समान नजदीकी और आत्मीय संबंध बने रहे। सन 1930 में गांधी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को दांडी गुजरात में नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ। नवंबर सन 1929 में ही संघ चालकों की त्रिदिवसीय बैठक में इस आंदोलन को बिना शर्त समर्थन करने का निर्णय संघ में हो चुका था। संघ की नीति के अनुसार डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत तौर पर अन्य स्वयंसेवकों के साथ इस सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय किया, और संघ कार्य अविरल चलता रहे इस हेतु उन्होंने सरसंघचालक पद का दायित्व अपने पुराने मित्र डॉक्टर परांजपे को सौंपकर बाबा साहब आप्टे, बापूराव भेदी को शाखाओं के प्रवास की जिम्मेदारी दी। इस सत्याग्रह में उनके साथ प्रारंभ में 21 जुलाई को 3 से 4 हजार लोग थे। वर्धा यावतमाल होकर पूसत पहुंचते पहुंचते सत्याग्रह स्थल पर 10 हजार लोग इकट्ठे हुए। इस सत्याग्रह में उन्हें 9 महीने का कारावास हुआ। वहां से छूटने के पश्चात सरसंघचालक का दायित्व पुनः स्वीकार कर वे फिर से संघ के कार्यों में जुट गए। सन 1938 में भागानगर हैदराबाद में निजाम के द्वारा हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हिंदू महासभा और आर्य समाज के तत्वावधान में भागानगर निशस्त्र प्रतिकार मंडल के नाम से सत्याग्रह का आह्वान हुआ। उसमें सहभागी होने के लिए जिन स्वयंसेवकों ने अनुमति मांगी, उन्हें डॉक्टर साहब ने सहर्ष अनुमति दी। जिन पर केवल संघ का प्रमुख दायित्व था, उन्हें केवल संगठन के कार्य की दृष्टि से बाहर ही रहने के लिए कहा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सत्याग्रह में जिन्हें भाग लेना है, वे व्यक्ति के नाते अवश्य भाग ले सकते हैं। भागानगर सत्याग्रह के संचालकों के द्वारा संचालित प्रसिद्धि पत्रक में संघ ने सहभाग किया, ऐसा उल्लेख आने पर डॉक्टर जी ने उन्हें पत्र लिखकर संघ की सहभागिता का उल्लेख न करने का संदेश उनके प्रसिद्धि विभाग को पहुँचाने को कहा। राजकीय आंदोलन का तात्कालिक नैमित्तिक व संघर्षमय स्वरूप और संघ का नित्य अविरत व रचनात्मक स्वरूप, इन दोनों की भिन्नता को समझकर आंदोलन भी यशस्वी हो परंतु उस समय भी चिरंतन संघ कार्य अबाधित रहे, इस दूरदृष्टि से विचार पूर्वक यह नीति डॉक्टर साहब ने अपनाई। इसलिए जंगल सत्याग्रह के समय भी सरसंघचालक का दायित्व डॉक्टर परांजपे को सौंपकर व्यक्ति के नाते वे स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह में सहभागी बने। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर
कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की ऐतिहासिक घोषणा की। दूसरे दिन से ही देश में आंदोलन ने गति पकड़ी और जगह जगह आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। विदर्भ में बावली, आष्टी और चिमूर में विशेष आंदोलन हुए। चिमूर के समाचार बर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित हुए। अंग्रेजों के दमन के साथ साथ एक तरफ सत्याग्रह सा चल रहा था तो दूसरी तरफ अनेक आंदोलनकर्ता भूमिगत रहकर आंदोलन को गति और दिशा देने का कार्य कर रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन का अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि बाल्यकाल से आखिरी सांस तक उनका जीवन केवल और केवल अपने देश और उसकी स्वतंत्रता के लिए ही था। उस हेतु उन्होंने समाज को दोष मुक्त, गुणवान एवं राष्ट्रीय विचारों से जागृत कर उसे संगठित करने का मार्ग चुना था। संघ की प्रतिज्ञा में भी सन 1947 तक संघ कार्य का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए ऐसा ही था। हेडगेवार की संघ दृष्टि को अगर हम देखें तो उनके अनुसार भारतीय राष्ट्र जीवन में एक्सट्रीम पोजीशंस लेने की स्थिति दिखती थी। डॉक्टर साहब के समय भी समाज, कांग्रेस क्रांतिकारी, तिलक गांधी, हिंसा अहिंसा, हिंदू महासभा, कांग्रेस ऐसे द्वंद्वों में उलझी हुई थी। एक दूसरे को मात करने का वातावरण बना हुआ था और कई बार तो आपसी भेद के चलते ऐसे बेसिर पैर के विरोध दिखते थे कि साम्राज्यवाद के विरोध में अंग्रेजों से लड़ने के बजाय वे आपस में ही भिड़ जाते थे। सन 1921 में मध्य प्रांत कांग्रेस की प्रांतीय बैठक में लोकनायक अणे की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की निंदा का प्रस्ताव आने वाला था। डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें समझाया कि क्रांतिकारियों के मार्ग पर आपका विश्वास भले ही ना हो पर उनकी देशभक्ति पर आपको शंका नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन, राजनीतिक दृष्टिकोण, दर्शन एवं नीतियाँ, तिलक गांधी, हिंसा अहिंसा, कांग्रेस क्रांतिकारी, इन संकीर्ण विकल्पों के आधार पर निर्धारित नहीं थी। व्यक्ति अथवा विशिष्ट मार्ग से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्र प्राप्ति का मूल ध्येय था। सशस्त्र क्रांति से लेकर अहिंसक सत्याग्रह, सेना में विद्रोह, आजाद हिंद फौज, इन सभी के प्रयासों का एकत्र परिणाम स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हुआ। इसमें द्वितीय महायुद्ध में जीतने के बाद भी इंग्लैंड की खराब हालत और अपने सभी उपनिवेशों पर शासन करने की असमर्थता और अनिच्छा के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। सन 1942 का सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया हुआ आखिरी सत्याग्रह था और उसके पश्चात सन 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, यह बात सत्य है। परंतु इसलिए स्वतंत्रता केवल 1942 के आंदोलन के कारण ही मिली और जो लोग उस आंदोलन में कारावास में रहे उनके ही प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ, यह कहना अत्यंत हास्यास्पद और अनुचित है। अपनी पुस्तक द इंडियाज स्ट्रगल में नेताजी ने लिखा है कि महात्मा जी को स्वयं ही अपने द्वारा प्रतिपादित योजना के प्रति स्पष्टता नहीं थी और भारत को उसकी स्वतंत्रता के अमूल्य लक्ष्य तक ले जाने से जुड़े अभियान के क्रमबद्ध चरणों से संबंधित कोई साफ विचार भी नहीं था। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि यह तीनों का एकजुट असर था जिसने भारत को आजाद कराया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय लोगों में आंदोलन कर कारावास भोगने वाले, उनके परिवारों की देखभाल करने वाले, भूमिगत आंदोलन करने वाले, ऐसे भूमिगत आंदोलनकारियों को अपने घरों में पनाह देने वाले, विद्यार्थियों के द्वारा देशभक्ति का भाव जगाने वाले, स्वदेशी के द्वारा अंग्रेजों की आर्थिक नाकाबंदी करने वाले, स्वदेशी उद्योग के माध्यम से सशक्त भारतीय पर्याय देने वाले, लोक कला, पत्रकारिता, कथा उपन्यास, नाटक आदि के माध्यम से राष्ट्र जागरण करने वाले, सभी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में सांस्कृतिक जागरण के बिना कोई भी राजनीतिक परिवर्तन सफल और स्थायी नहीं हुआ है। इसलिए सांस्कृतिक जागरण के कार्य का मूल्यांकन राजनीति के मापदंड से नहीं होना चाहिए। मौन शांत रीति से सतत चलने वाले आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागरण का महत्व भारत जैसे देश के लिए कहीं अधिक मायने रखता है, यह हमेशा अधोरेखित होना चाहिए। धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की प्रस्तुति।